हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, हम मैथ्स के क्वेश्चन पेपर अब प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर करने से पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट क्या आने वाला है आपका, ठीक है? तो इस साल जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात वो होगी, जैसे सैंपल पेपर तो आप करते ही हैं, ये भी एक सैंपल पेपर ही है, तो वो तो करते ही आप, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी जरूर अटेम्प्ट करें। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे पिछले क्वेश्चन पेपर से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या होता है, तो बस वही चीज सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपका जो मैथ्स का पेपर आएगा 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है? कितने मार्क्स का आएगा? 80 मार्क्स का, जो मैक्सिमम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको समय जो मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का समय मिलेगा। तो अब बच्चों, आपको देखना है अपने हिसाब से कि कौन सा क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करते हैं और कौन सा बाद में। तो ये कैसे पता लगेगा बच्चों? तो पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने कितने पार्ट के यहाँ पे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और टोटल देखिए आपके 27 क्वेश्चंस आएंगे। इससे पहले आपके पास 30 क्वेश्चन आते थे, लेकिन फॉर्मेट अब 27 का हो गया है ये। अब कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रश्न पत्र में कुल 27 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो आपको आएगा उसमें टोटल 27 क्वेश्चंस आएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने जरूरी हैं। देखिए, अभी अगर ये चीज जान लेंगे तो जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, जब आप बोर्ड की परीक्षा देने जाएंगे, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको बहुत सारी चीज पहले से पता होंगे, फटाफट ये इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर सकते हैं उस टाइम पे, ठीक है बच्चों? तो देखिए, देयर आर इन ऑल 27 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, मतलब अनिवार्य हैं बच्चों। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला गया है आपको, प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, ठीक है? तो मतलब क्या बोला गया है, मार्क्स आर अलॉटेड टू द क्वेश्चंस आर मेंशनड अगेंस्ट देम। जो क्वेश्चन आप देखेंगे ना, उसके सामने ही मार्क्स आपको दिए होंगे। अब जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसके बाद क्या है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर टू द पॉइंट। तो आपको यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर करने हैं जो जो क्वेश्चन आपके होंगे, और हर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप पढ़ेंगे बच्चों। और क्या है, प्रश्न संख्या एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आर गिवन इन आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट द करेक्ट ऑप्शन इन योर आंसर बुक। तो यहाँ पे बच्चों, जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 वो आपका एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है, एक से ज्यादा विकल्प होते हैं, उसके आंसर आपको दिए होते हैं, लेकिन 4 विकल्प में से आपको एक चूज करना है। ये होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि भाई आपको 4 में से 1 आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो वो थोड़ा सा इजी रहता है इसीलिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू बच्चों, ये आते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो फटाफट आप कर देंगे, इसमें बहुत ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना होगा कुछ। देखेंगे हम आगे ये क्वेश्चंस भी। उसके बाद क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या एक का प्रत्येक खंड एक अंक का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका हर एक पार्ट 1 मार्क्स का होने वाला है। जो प्रश्न संख्या 2 से 9 तक जो है वो भी 1 अंक के प्रश्न है, लेकिन जो प्रश्न 1 है वो एमसीक्यू है, और 2 से 9 जो है वो क्वेश्चन आपको खुद हल करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों? प्रश्न संख्या 10 से 16 तक 2 अंक के होंगे, फिर प्रश्न संख्या 17 से 21 तक 4 अंक के, और 22 से 27 तक 5 अंक के प्रश्न हैं। तो अब देखिए, जो क्वेश्चन जितने ज्यादा मार्क्स का होगा भाई, वो उतना बड़ा होता जाएगा, ठीक है? टाइम टेकिंग भी उतना ही हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 1 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 टू 9 आर ऑफ 1 मार्क्स ईच, क्वेश्चन नंबर 10 टू 16 आर ऑफ
टू मार्क्स इच, क्वेश्चन नंबर 17 टू 21 आर 4 मार्क्स इच एंड 22 टू 27 5 मार्क्स इच। तो अब देखिए आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया है बच्चों कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। तो क्वेश्चंस देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको पहले कौन सा करना है, भाई जो आपको ज्यादा सूटेबल लगे वो क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। देखिए इसमें और क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न पत्र में समग्र कोई विकल्प नहीं है, तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है, ऐसे प्रश्न में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए। यानी देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन दिस क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चन, अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन चॉइसेस इन सच क्वेश्चन। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे बच्चों अथवा या और करके आते हैं, मतलब उसमें दो में से कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर लिखा हो तो। देखिए हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इस टाइप से देखिए आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर चैप्टर से आपको, हर एक पार्ट से, हर चैप्टर से आपको कुछ न कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज, ठीक है, तो आपसे इरेशनल नंबर पूछा गया है। जैसे इसी तरह से आपसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। देखिए अलग अलग चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से, चैप्टर 7 से, चैप्टर 8 से ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे बच्चों, जिनको आपको हल करना है। ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है आपका, क्या चल रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता है, निश्चित घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखे रहेंगे। ये 1 मार्क्स का सामने, देखिए क्वेश्चन के सामने इसके मार्क्स गिवन है कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब ये जो है मल्टीपल चॉइस है, बहुत इजी है, लेकिन मैंने बताया कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। एक बार इनको फटाफट आप रीड कर सकते हैं और जिसका आता है उसको टिक कर दे, जिसका नहीं पता टाइम वेस्ट मत करना बच्चों, पहले जो आते हैं क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करना। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनेट इवेंट, इसमें कुछ हल करने लायक नहीं है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। तो जो श्योर इवेंट है, ठीक है, श्योर इवेंट है, निश्चित घटना है, उसकी प्रायिकता 1 होनी चाहिए ऑब्वियसली, अगर आपको पता है तो सीधा टिक करो, नहीं तो रहने दो, छोड़ दो उसको। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आता है पहले उसको अटेम्प्ट करना है। देखिए 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आपको एक एक मार्क्स के ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे होंगे, ये बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत कम समय लेंगे, कम टाइम टेकिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए आपके सामने क्या आ जाते हैं, 2 मार्क्स, दो दो मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अब, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर पूरा देखना है आपको पहले, ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन आया और 1 से आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया। अगर भाई सारे क्वेश्चन आपको आते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं से शुरू करो, लेकिन अगर आपको डाउट है या फिर कोई पोर्शन आपका वीकर सेक्शन है तो उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, यही हर कोई एडवाइस देता है, तो आप उस चीज को ध्यान रखें। अब देखिए ये दो दो मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए, है ना। अब जहां पे अथवा या और की बात कर रहा था मैं, तो ऐसा मिलेगा आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये तो करना ही करना है, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये आपको सॉल्व करना है, अगर नहीं करोगे तो ये दो मार्क्स आपके नहीं मिलेंगे, ये चीज समझना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आपको विकल्प दे दिया गया है अन्य, मतलब या तो ये वाला करो कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, या तो ये कर लो, या फिर अगर ये आपको नहीं आता है तो इसके ऑप्शन दूसरा दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैव टू इक्वल रूट्स, ये कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं करने हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया। तो इससे क्या होता है कि भाई दो में से कोई एक तो आता ही होगा, है ना। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो भाई कोई अगर एक सेक्शन आपने छोड़ भी दिया, कोई एक आधा चैप्टर का, तो उसमें आपको एडवांटेज मिल जाती है, बेनिफिट मिल जाता है कि भाई दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर लो, मार्क्स आपको पूरे दो मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह से देखिए ये पूरे दो मार्क्स के चल रहे हैं अभी तक, ये सारे क्वेश्चन आपके दो मार्क्स के हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और विकल्प मिल गया क्वेश्चन नंबर 16 में, मतलब या तो ये कीजिए आप, या अथवा के बाद जो लिखा है ये कीजिए, इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये 17 है, इसमें
पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ये 4 मार्क्स के शुरू होंगे बच्चों, ठीक है। ऐसे करके 4 मार्क्स के होंगे तो थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन होगा उनका, ये तो आपको पता है बच्चों। इसी तरह से देखिए, यहाँ 4 मार्क्स में भी आपको एक विकल्प मिल गया। इस तरह से आपको ये बेनिफिट मिल जाता है बच्चों, क्लियर है। ये देखिए, ये इस तरह से फिर आपके 5 मार्क्स के स्टार्ट हो गए। कितने मार्क्स के? क्वेश्चन नंबर 22 से 5 मार्क्स के शुरू हो गए, 22 से 27 तक ये 5 मार्क्स के ही चलते रहेंगे क्वेश्चन, क्लियर है बच्चों। अब देखिए, मैं क्वेश्चन पेपर, एक बार आपको क्वेश्चन पेपर का आइडिया आ गया उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे एक एक क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि भाई सर ये क्वेश्चंस क्यों दिखा रहे हैं, हम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे। हम करेंगे सॉल्व बच्चों, क्वेश्चंस को हल भी करेंगे, तो उस चीज में आप ज्यादा मत सोचिए। अभी बस क्वेश्चन पेपर का आइडिया लीजिए आप। देखिए, ऐसे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो पता होना चाहिए आपका क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ऐसे लास्ट क्वेश्चन होगा, इनमें भी आपको चॉइस मिल जाती है, ठीक है बच्चों। आप देखते ही बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 में भाई आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन दे दिया गया है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अगर आपने किया है तो भाई इजीली आप निकाल सकते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो आपने किया भी है ना, हम कर भी रहे थे 2-3 क्लास पहले। और उसके बाद अगर ये नहीं आता है तो वहीं से, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ही एक और क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं, ऐसे आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज में कि हाँ भाई ठीक है, कोई एक क्वेश्चन तो आप कर लेंगे इजीली, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो जिस जिस बच्चे को आंसर इनके पता हो, फटाफट आप अपने आंसर्स दे देंगे, ठीक है। तो भाई जो पिछले कुछ सालों में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई, वो यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सबको विजिबल है ना ये क्वेश्चन, सब देख पा रहे हैं, तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। द्विघात बहुपद की घात क्या होती है, यानी द डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कितनी होती है, ये आप बताएंगे। किस बच्चे को पता है, शाबाश, कौन बताएगा बेटा? माइक अपने पास रखिए और जिसको आंसर पता हो आप आंसर बता दीजिए। पॉलिनोमियल चैप्टर से ये क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ क्वेश्चन पढ़ के ही आपको आंसर पता लग जाना चाहिए। कौन बताएगा, शाबाश जी? ऐसी चकासी सर, दो है। दो, वेरी गुड। सर माय नेम इज सचिन। क्या नाम बच्चे आपका? सर माय नेम इज सचिन। वेरी गुड सचिन, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया, ठीक है बेटा, बैठ जाइए आप। तो देखिए, जीआईसी क्यूंजा बच्चों कितना सरल था, है ना, आपको उठ के आंसर देना है, बात खत्म। बहुत कम समय में आप इसका आंसर दे सकते हो। ये बताइए कितना टाइम लगेगा इसको आपको मार्क करने में और इसका आंसर बताने में? मुझे लग रहा है 1 सेकंड से 2 सेकंड। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, इसमें आप क्या ही करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे। इसको देखिए क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन है किससे है, ये चैप्टर देखिए पहले तो। ये आपका एपी से क्वेश्चन है, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5। तो क्वेश्चन देखते ही अगर ये पता लग गया आपको तो इजीली आप बता सकते हैं। अब मुझे बताइए कि इसका अगला पद क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी 4, 10, 16, 22 विल बी, क्या होगी समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का अगला पद क्या होगा? जिसको पता हो हैंड रेज करेंगे। चलिए जीआईसी चकासाई से बात करते हैं सर। 28
28, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो मैं चाहता हूँ बाकी बच्चे भी आंसर करें, ठीक है? हर बार एक ही बच्चा आंसर कर रहा है, इसका मतलब भाई बाकी बच्चों को नहीं आता क्या? आता सबको है, लेकिन आप पीछे क्यों हट रहे हैं? सब बच्चे आंसर करें, हाँ, बारी बारी सब कोशिश करें। और जी ऐसी क्यों जा बेटा, आप क्यों आंसर नहीं कर रहे? आपको भी तो करना चाहिए ना। तो इसको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा सोचने में। अब देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या है? अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर कोई टर्म आप निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो याद होगा। तो भाई इसी का यूज करके हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, है ना, इजीली दे सकते हैं इनके आंसर्स। तो यहां पे क्या किया है बच्चों आपने, यहां पे देखिए ए कितना है, ए जो फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म होती है वो ए है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, एपी की 4 है, लिख देंगे। उसके बाद डी क्या हो गया, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, सार्वांतर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है देखिए, सब में सेम होना चाहिए। 4 के बाद 10 आया हमारा, है ना, 4 के बाद 10 आया, 10 के बाद 16, 16 के बाद 22। तो हर किसी में देखिए कितने का डिफरेंस है। डी हम निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, ये सब बराबर होने चाहिए है डी निकालने के लिए। तो ए टू कितना है, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 10, देखिए ये 6 ही आएगा, कितना 6 आएगा इस केस में। तो डी आप यहां से देख सकते हैं, सार्वांतर इसको हम बोलते हैं, और ए को बोलते हैं प्रथम पद। ये तो हो गया प्रथम पद और ये हो गया सार्वांतर। ठीक है बच्चों, डी आपको पता है। उसके बाद इसमें एक चीज और है, क्या है, एन। एन क्या है, जो पद हमें निकालना है, एनएथ टर्म है ना, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकालना है, तो एन यहाँ पे 5 होगा। देखिए इतना गणित आपको, मतलब इतना कैलकुलेशन करने की इसमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप सीधे से, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि भाई किसी बच्चे को भाई छूट ना जाए कोई बच्चा, सबको आना चाहिए है ना। तो यहाँ पे ये सब आपको पता होने चाहिए है ना, तो ये तभी पता होंगे जब चैप्टर आपको अच्छे से आता है और फॉर्मूलेज आपको पता है। इसमें दो तीन फॉर्मूले हैं, ए एन है, एस एन है ना, बस यही आपको पता होने चाहिए, ज्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। तो अब देखिए, ए एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो पता है, एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 5, पांचवा पद निकालना है हमें, तो एन की जगह 5 लिख देंगे। फिर ए कितना है, ए है 4 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी है 6, इतना सिंपल है बच्चों। ये 4 प्लस 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, इंटू 6 तो कितना हो गया, 4 प्लस 6 चौक 24, और ये हो गया 28। 28 देखिए हमने कितना किया, यहां से अगर डायरेक्टली आप करेंगे, 4 में 6 जोड़ दिया, 10, 10 में 6 जोड़ दिया, 16 में 6 जोड़ दिया, 22, 22 में 6 जोड़ दिया, 28 यहाँ पे सीधा आ जाएगा है ना, वैसे ही पता लग जाएगा। लेकिन ये तो भाई छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है, इसीलिए आपको ऐसे दिया है। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब बहुत सारी टर्म्स हो है ना, और आपसे बोल दिया जाए कि चलो भाई इसकी 60वीं टर्म क्या होगी है ना, इसका 60वां पद क्या होगा, तो कैसे बताएंगे? अब भाई ऐसे कर करके, ऐड कर करके तो बहुत समय लग जाएगा ना, इसीलिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। भाई यहाँ पे आप डायरेक्टली बता सकते हैं, पता है तो डायरेक्टली टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करेंगे पूछने के लिए, ऐसे अपना हाथ खड़ा कर लेंगे अगर किसी को डाउट इसमें है तो, अदरवाइज ठीक है फिर हम आगे करेंगे। किसी को डाउट है तो बता दो अभी भी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगर सब समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों आपको। अब देखिए चैप्टर नंबर वन आपसे पूछा गया है, अपरिमेय संख्या कौन सी है इनमें से, आपको पता होना चाहिए बच्चों अपरिमेय संख्या कौन सी है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। अपरिमेय संख्या होती क्या है, उसके लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। तो देखिए, जो रैशनल नंबर होता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, रैशनल
नंबर। रैशनल नंबर को परिमेय संख्या बोलते हैं और इरेशनल को परिमेय संख्या बोलेंगे इसको, रैशनल नंबर को, और इरेशनल को इरेशनल नंबर तो आपको यहां पे दिया हुआ है अपरिमेय, ठीक है बच्चों। अब कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? शाबाश, कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा? वेरी गुड सर, रूट थ्री। अब बोलिए बेटा, रूट थ्री। रूट थ्री, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बैठ जाइए। देखिए यहां से बार बार मुझे आंसर मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर करते हैं और बिल्कुल सही आंसर करते हैं, फिर तो मजा ही आ जाता है एकदम से, कहने क्या फिर तो। लेकिन जो कुछ स्कूल्स आंसर नहीं कर रहे बेटा, मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दें और कोशिश करें आंसर करने की, है ना। सब अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, और आपके लिए ही अच्छा है वो तो, कि भाई आपका रिविजन अच्छे से हो रहा है। तो देखिए ये आंसर बिल्कुल सही है, अंडर रूट थ्री, ठीक है, अंडर रूट टू हो गया, अंडर रूट थ्री हो गया, अंडर रूट फाइव हो गया, ये सब इरेशनल नंबर है बच्चों। क्या होता है रैशनल नंबर, क्या होता है वो पता होना चाहिए उसके लिए, जो पी बटे क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट जिसको हम कर सकें, समझना बच्चों, पी बटे क्यू की फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट कर सकें वो हो जाते हैं रैशनल नंबर परिमेय संख्या, अदरवाइज इरेशनल नंबर हो जाते हैं। क्लियर है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। एक एक मार्क्स के जो एमसीक्यू मिलेंगे आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये देखिए इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए, मुझे लग रहा कि ये तो टेंथ के लेवल का है भी नहीं, पता नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन, है ना, टेंथ के लेवल का नहीं है ये आपका, मैं बताऊं बच्चों, सन 2020 के क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं हमने ये क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहां पे आपके लिए लेके आएंगे और करवाते रहेंगे, ताकि आपको भाई आइडिया हो जाए कि पहले पहले बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत लेवल ऊपर हो सकता है अभी के क्वेश्चन का, लेकिन आपको अगर ये आते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, मतलब अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन से आप अपनी सीट पे बैठे बैठे देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये तो इजी है कर लूंगा, मतलब बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं बच्चों, आपकी गारंटी है मेरी, इसीलिए थोड़े से आप प्रैक्टिस जरूर करें, और पिछले ये मान लो 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर आपको जरूर प्रैक्टिस करके जाना है बोर्ड से पहले। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसका आंसर? शाबाश, कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा? जैसी बंद बोलपुर, वेरी गुड बेटा, माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। शाबाश, हाँ सर, फोर मात्रक सर, फोर मात्रक दार यूनिट, वेरी गुड। जैसी बंद बोलपुर, और कोई बच्चा जिसका आंसर और कुछ आया हो, हैंड रेज करेंगे सबसे पहले, और कुछ बताना चाहता है कोई आंसर? सर पाई भी हो सकता है, यूनिट पाई। क्या नाम बेटा आपका? अली हसन, वेरी गुड। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, और कोई बच्चा? थैंक यू सर, ठीक है, और कोई? चलिए यहां से पूछते, जीआईसी चकासाई से पूछते हैं, क्या आंसर होगा बेटा? सर दो मात्रक, दो मात्रक, वेरी गुड, दो मात्रक, दो यूनिट्स, ठीक है, दो मात्रक इसका आंसर बता रहे हैं। तो देखते हैं किसका आंसर सही है ना। चलिए अब यहाँ पे हमें तीन अलग अलग आंसर मिले हैं ना, मतलब किसी एक बच्चे का ही आंसर सही होगा, बाकी दो तो गलत होने चाहिए आंसर भाई, सारे के सारे तो करेक्ट नहीं हो सकते, चार ऑप्शन दिए हैं तो चारों में से बस एक ही आपका आंसर सही होगा। तो देखिए इसमें बच्चों नेगेटिव, मतलब आपको आपके लिए जो ऑप्शन है ना ये खराब चीज भी है, क्यों? क्योंकि आप क्या इससे
गुमराह हो जाते हैं कि भाई कई गलत आंसर की तरफ भी चले जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना, पहले ऑप्शंस नहीं देखने। मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ बच्चों, आपको पहले ऑप्शंस नहीं देखने, बाद में देखना ऑप्शंस, पहले क्वेश्चन पढ़ना है ना, क्वेश्चंस पढ़ना। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले ऑप्शंस देखने लग जाते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़िए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। अब यहाँ पे रेडियस पूछा गया है सर्कल का, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी एक वृत्त का परिमाप, परिधि जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वृत्त की परिधि जो है, परिधि किसके बराबर है, संख्यात्मक रूप से क्षेत्रफल के बराबर, एरिया ऑफ सर्कल। तो बच्चों मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आपके लिए हिंदी और इंग्लिश, तो एक ही लैंग्वेज में मैं लिख ले रहा हूं, लेकिन बता आपको दोनों ही लैंग्वेज में रहा हूं, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आए इमीडिएटली हैंड रेज करके पूछ लेंगे आप, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पे आपको क्या बोला गया है, पेरीमीटर और एरिया सर्कल के बराबर है। अब आपको फॉर्मूला अगर पता है, छोटी क्लासेस में आपने सीख लिया था, है ना, ये 10वीं के लेवल का सवाल भी नहीं है, तो छोटी क्लास में आपने क्या सीखा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, क्या होता है, 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है, πr² πr² आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। यहां पे आर कोई तो हम त्रिज्या बोलते हैं, आर होता है ना त्रिज्या, तो बच्चों आर निकाल लेंगे आप। आर कैसे निकालेंगे, यहीं से आएगा, हमें कोई वैल्यूज कुछ रखने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे आएगा, अब यहां पे कितने आर हैं, देखिए एक आर है, यहाँ पे r² है, r² क्या होता है, आर गुना आर, यही तो होता है। r² क्या लिख सकते हैं, r × r। तो मैं क्या करता हूं, इस आर से ये आर कट जाएगा, आपको पता है ना कैसे कटेगा, देखिए ये ऐसे कट जाता है कि यहाँ पे जो आर है अगर उसको मैं राइट हैंड साइड भेजूं तो क्या हो जाएगा, ये r × r, तो ये है, और डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, एक आर बच जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने डायरेक्टली यहां पे काट दिया इस आर को, और पाई से ये पाई कट जाएगा, और कुछ कैंसल आउट तो नहीं हो रहा है। अब क्या बच गया, यहां से लेफ्ट हैंड साइड जो बाई तरफ है दो बच गया है, और जो राइट हैंड साइड है बच्चों यहां पे सिर्फ आर बच गया है, बस आंसर आ गया हमारे पास, है ना, 2 यूनिट। तो देखिए बच्चों गलत आंसर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस ही तो कर रहे, और आपने पहला सैंपल पेपर देखा है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे सही आंसर भी आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है बच्चों, आप आंसर कर रहे हैं वो बहुत तारीफ के काबिल है, ठीक है बच्चों। सब ऐसे ही आंसर करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई एक आपने गलत आंसर दे दिया तो उसके बाद चुपचाप बैठ गए, नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा मेरे आंसर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बच्चों। देखिए आपका एक आंसर गलत हुआ, मैं पक्का बोलता हूँ अगला आंसर सही होगा, और अगर सही भी नहीं हो तो ये आपको पक्का पता रहेगा, आप दोबारा से अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो वहां गलत नहीं करोगे आप, ठीक है। इसीलिए आंसर्स जरूर बताएं, यहाँ पे पार्टिसिपेट जरूर करें। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ये देखिए अभी बताया था मैंने इसका आंसर, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है कि प्रायिकता क्या होती है, ये बताइए। शाबाश, वेरी गुड, चलिए जीआईसी बनबोलपुर से पूछते हैं, वेरी गुड बेटा, सर 1 होगा इसका आंसर, 1 होगा, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका, सर नूर मोहम्मद, वेरी गुड नूर मोहम्मद, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं वैसे भी आपको, हाँ ये तो सबको आंसर पता होगा, ठीक है। अभी ये एक से ही हमने पूछ लिया क्योंकि यहीं से हमें करेक्ट आंसर मिल गया, बैठ जाइए बेटा, शाबाश, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। कैसे, जो श्योर इवेंट होगा, समझना, जिसको होना ही होना है, जो घटना घटेगी ही घटेगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है, 1 होगी, और जो होनी ही नहीं है, ठीक है, जो होनी ही नहीं है, जो इवेंट घटना ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है,
जो अनश्योर इवेंट होता है, मतलब जिस मेरे को पक्का पता है 100% पता है ये चीज होगी ही नहीं, तो क्या होगा ये इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो लिखेंगे हम, और जो चीज पक्का होगी श्योर इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी, और बाकी चीजों की जो प्रायिकता है वो वन और जीरो के बीच में रहती है ना। किसी की प्रोबेबिलिटी होती 0.5, किसी की होती 0.25, ऐसे करके इनके बीच में हो जाती है फिर बाकी प्रोबेबिलिटी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, जो ये भी एक ही मार्क्स का है बच्चों। क्वेश्चन बहुत इजी सा सवाल है, सब देख पा रहे हैं ना, सबको विजिबल है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्या बोला गया है, यदि कोट ए इज इक्वल टू 8/15, 8/15 है तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी इफ कोट ए इज इक्वल टू 8/15 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेन ए। फटाफट एक मिनट के अंदर मुझे बताइए, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए इतना समय नहीं लगेगा, आप मुझे फटाफट आंसर बता दीजिए इसका। वेरी गुड, 15/8 होगा सर इसका आंसर, 15/8। 15/8, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। तो देखिए यहाँ से जेएसी बनबोलपुर से 15/8 आया है आंसर। कोई और बच्चा जो बताना चाहता हो आंसर, कोई और स्कूल, जैसी मदन की बेटा बताइए क्या आएगा आंसर। क्या आंसर आएगा आप, आपका कुछ आया होगा आंसर, जैसी मदन की, शाबाश बेटा बताइए। अगर सेम आंसर आया है तो यही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर गुड आफ्टरनून, माय नेम इज ईशा कटियाल। ईशा, हाँ बेटा बताइए आंसर बताइए। सर इसका आंसर 15/8 होगा। 15/8, वेरी गुड, तो ईशा का आंसर भी 15/8 आया है, शाबाश बेटा। मतलब दो बच्चों का आंसर सेम आया है तो ठीक ही होना चाहिए, है ना। चलिए चेक कर लेते हैं आप कि क्या आपका, बैठ जाइए बेटा शाबाश, ईशा बैठ जाइए। तो देखिए चेक कर लेते हैं कि आपने आंसर सही किया है या नहीं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, देखिए यहां पे आपको दिया है कोट ए इज इक्वल टू 8/15, है ना। कोट ए क्या है, 8/15 दिया है। अब आपने क्या किया होगा कि मुझे पता है बिकॉज कोट ए, जो कोट ए होता है बच्चों वो 1/10 ए के होता है कि नहीं, ये तो आपको पता था। यही किया होगा आपने कि जब कोट ए 1/10 ए के बराबर होता है तो यहां से हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये तो गिवन है, है ना, ये तो गिवन है बच्चों, ये दिया हुआ है आपको। और यहाँ पे कोट ए जो है वो 1/10 ए के बराबर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 1/10 ए, है ना। मैंने क्या लिख दिया, कोट ए को 1/10 ए लिख दिया, जो कि 8/15 है ना। तो यहां से मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया इसका, दोनों का रेसिप्रोकल कर दूंगा। अब देखिए ये आगे फोकस में, हमें यही तो निकालना था 10 ए की वैल्यू, तो ये फोकस में आ गए हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे दोनों तरफ। तो 10 ए न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 ए इज इक्वल टू 15/8, ये आ गया। बस ये आपका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों आपका, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन तरीका जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया है वैसे ही करें, हो सकता है आपका अलग हो, आपका तरीका अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये इस तरह से भी तो कर सकते हैं, ये पता है ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, पता है ना ये। तो ये साइन कोस और टेन, टेन क्या होता है पी बटे बी, है ना, और कोट क्या होता है, कोट होता है b बटे p हो जाएगा, और tan क्या होता है,
पी बटे बी है ना, तो आप अलग तरीके से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये देखना कि सबसे सरल कौन सा पड़ेगा आपके लिए है ना, जो पता हो कर दो, आंसर सही आएगा, सेम ही आएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी, एक मार्क्स के लिए, तो फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा इसको हल करके। ये भी एक मार्क्स का है बच्चों आपका। आने वाली क्लासेस में हम 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले भी करेंगे। शाबाश जयसी बन बोल बोल बेटा, आपको आंसर आता है, वेरी गुड, शाबाश, बताइए बेटा। सर 3 आ जाएगा आंसर, 3 जी, 3 3, यस सर। चलिए बहुत अच्छी कोशिश, वेरी गुड बेटा। जीआईसी मदन नेगी, बताइए बेटा। ईशा आपका क्या है आंसर? शाबाश। कोई दूसरा स्टूडेंट बताना चाहता हो जीआईसी मदन नेगी से, वो भी बता सकते हैं, जो साइड में लड़की बैठी है आप भी बता सकते हैं बेटा, अगर आपका आंसर आ गया है तो। शाबाश, कोई दिक्कत है बेटा, जो आपका गलत हो सही हो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बताइए आप। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, आंसर 3 होगा सर। आंसर 3 होगा, वेरी गुड। क्या नाम बच्चे आपका? प्रिया। प्रिया, वेरी गुड प्रिया, बैठ जाइए आप। तो देखिए आंसर 3 आपने बताया है, चलिए देखते हैं ये सही है या नहीं। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, इसको हल करना है। हल करने से क्या मतलब है कि हमें चाहिए भाई, आंसर चाहिए हमें, ठीक है, इसके x की वैल्यू चाहिए। बेसिकली क्या चाहिए हमें, x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x का वर्ग है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको, जैसे x का वर्ग है तो यहाँ पे 3 का वर्ग इसको लिख सकते हैं। 3 का वर्ग क्या होगा बच्चों? 3 का वर्ग 9 होता है, पता है ना आपको, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। तो ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए कि यहां से कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये फॉर्मूला तो पता होगा सब बच्चों को। तो यहाँ पे इसका यूज करेंगे। देखिए बच्चों मैथ्स में कहीं से उठा के कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं, बस उसका लॉजिक सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्स हो गया ए स्क्वायर और 3 हो गया बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला करिए, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे ये देखिए, एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर रखिए और एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर रखिए। x प्लस 3 में 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 3 हो गया, ये राइट हैंड साइड जाएगा माइनस 3, तो यहां 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू सिर्फ 3 नहीं है बच्चों, x की वैल्यू है 3 एंड माइनस 3, दोनों आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपने आंसर बताया, सही बताया, लेकिन आपने पूरा नहीं बताया, हो सकता आप में आपको इसमें से एक में से हाफ मार्क्स मिले, है ना, क्योंकि 3 और माइनस 3 ये होगा कंप्लीट आंसर। अब कुछ बच्चों ने कैसे किया होगा मैं बताता हूं आपको, यहां से क्या किया होगा आपने, देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को राइट हैंड साइड लेके, है ना, तो माइनस 9 था इधर प्लस 9 हो गया, फिर इसका वर्गमूल कर दिया होगा आपने, है ना, तो x इज इक्वल टू 3 लिख दिया होगा। लेकिन बच्चों एक चीज समझना कि ये x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 दोनों ही आएंगे, अगर दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे, है ना, अगर अंडर रूट वर्गमूल लेफ्ट साइड और राइट साइड करेंगे तो 3 माइनस 3 आएंगे। कैसे आएंगे मैं बताता हूं, इसका लॉजिक क्या होगा, देखिए हर चीज का लॉजिक होता है बच्चों मैथ्स में। अब यहां पे देखिए कि 3 का जो स्क्वायर है उल्टा करते हैं, है ना, यहाँ से स्क्वायर रूट किया है ना, हम इसका स्क्वायर लेने की कोशिश करते हैं। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 होगा ना। अब माइनस 3 क्यों आया हमारा, क्योंकि अगर माइनस 3 होता, हमें तो नहीं पता ना, हमें तो 9 दिया है यहाँ पे, अब 3 भी हो सकता है माइनस 3 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि माइनस 3 का अगर वर्ग करेंगे तो ये भी तो 9 ही आएगा,
है ना, माइनस थ्री का वर्ग भी तो नो ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री किया हमने, है ना, तो थ्री इंटू थ्री तो नाइन आ गया, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, प्लस आता है। साइन का तो पता है ना बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस प्लस, ये तो पता होंगे साइन कहाँ पे यूज करते हैं हम, ये चीज पता होनी चाहिए बच्चों आपको, और छोटी क्लासेस से ही आ जाते हैं ये, है ना, मुझे लग रहा है छठी सातवीं में आपको ये चीज बता दी जाती है। तो ये चीज यहां से ऐसे आएगी कि भाई माइनस थ्री का स्क्वायर भी नाइन है, तो हमें नहीं पता इस नाइन का वर्गमूल क्या होगा, थ्री होगा या माइनस थ्री होगा, तो हम दोनों ही चीज लिखेंगे, है कि नहीं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, थ्री एंड माइनस थ्री। बाकी बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों आप, ठीक है, उम्मीद से बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। हर क्वेश्चन का आंसर देना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन आप दे रहे हैं। चलिए इसका मुझे बताइए, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, ठीक है, साइड्स दे दी गई हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की, कितनी, चार अनुपात पांच है, इसका अनुपात दे दिया गया है आपको, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो मतलब जो उसकी साइड्स हैं, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल क्या है, 4:5, मतलब ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी है मान लीजिए, और एक है साइड ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये आपको दे दी है 4:5, 4/5। तो आपको क्या बताना है, आपको एरिया बताना है, है ना, एरिया का रेशो बताना है। जी आई सी बनबोलपुर, वेरी गुड, 9/20 सर, 9/20 जी सर, चलिए ठीक है, वेरी गुड। और कोई बच्चा कार्य करना चाहेगा, इसके अलावा किसी का आंसर आया हो तो बताइए मुझे। देखिए चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं यहाँ पे, जो हमारा एरिया की रेशियो होगी उस केस में हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है, साइड की रेशियो का वर्ग कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 × 16, 5 × 5 = 25, ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुजों की बात हो रही है, क्लियर है बच्चों। तो ये 1-1 marks के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखिए, ये भी बहुत सिंपल सा 1 ही marks का क्वेश्चन है, ये भी क्या बोला गया है यहाँ पे, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब हमने सर्कल वाला चैप्टर किया था, मुझे लगता है कि बहुत कम समय पहले ही किया था, तो चलिए कौन बताएगा, जैसी बनबोलपुर फिर से, बाकी स्कूल से भी बेटा आंसर देने की कोशिश करो आप, बताइए बेटा, शाबाश, कोई भी एक बच्चा खड़े हो जाए जो आंसर बताना चाहता है, हाँ अब बताइए बेटा। सर एक होगी, एक, वन, एक, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बैठ जाइए बेटा। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसी नथु वाला, बेटा आप भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, हाँ बोलिए बेटा, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए, दो रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, चलिए अब यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, है ना, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो देखते हैं किसका आंसर सही है। कोई और बच्चा जो इसके अलावा किसी का आंसर आया हो, कोई और, कोई दूसरा स्कूल जो बताना चाहता हो, जैसे नथुवार और बनबोलपुर के अलावा कोई स्कूल जो आंसर देना चाहता हो बता सकते हैं बेटा। चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है ये सवाल बच्चों। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई टेंजेंट क्या होता है, यानी स्पर्श रेखा होती क्या है। अगर आपको पता होगा टेंजेंट क्या होता है तो आपके लिए बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, क्या होता है टेंजेंट, मैं बता देता हूँ बच्चों आपके कि टेंजेंट होता क्या है। कोई भी ये जो सर्कल दिख रहा है, ठीक है, सर्कल की जो परिधि आप देख पा रहे हैं, इस पे कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए कोई एक
पॉइंट है और यहां से कोई एक लाइन है जो इस पॉइंट को छूते हुए जाएगी, ठीक है, यहां से कोई लाइन है जो इस पॉइंट को छूते हुए जाएगी, उसको बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। तो ये टेंजेंट क्या होती है, ये जो इसका रेडियस होता है ना, सर्कल का रेडियस होता है, त्रिज्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब आप कोशिश कीजिए कि भाई इसी पॉइंट से हम दूसरी लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, आपने बोला कि एक नहीं दो लाइन होंगी, मैं मान तो गया, लेकिन दूसरी लाइन अगर आप बनाएंगे सेम पॉइंट से तो वो इसी लाइन के ऊपर से जाएगी। बच्चों, इसी लाइन के ऊपर से जाएगी। अगर मैं दूसरी लाइन यहां पे बना सकता हूं दूसरा टेंजेंट, है ना, दूसरी जगह में बना सकता हूं दूसरा टेंजेंट, लेकिन इस पॉइंट पे हम कितने ही टेंजेंट बना ले, वो सेम टेंजेंट के ऊपर से ही आएंगे, कोई दूसरा टेंजेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक पॉइंट पे सर्कल के, अगर ये पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट पे एक ही स्पर्श रेखा पॉसिबल है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। सब बच्चों के लिए तालियां हो जाए जो फटाफट आंसर कर रहे थे, इसलिए सब बच्चे जीआईसी बनबोलपुर, खासकर नथु वाला, जैसे मदन नेगी, वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, ऐसे ही आपको आंसर करते रहना है, देखना बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे सब बच्चों के, मैं बता रहा हूं। बस आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं, अब आपको प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, है ना, मैं भी यहाँ पे वही करने वाला हूँ, करवाने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं या सैंपल पेपर, वेबसाइट से निकालिए, उनको सॉल्व कीजिए, और जब अभी अगली क्लास होगी ना तो देखना कैसे फटाफट आंसर करते हैं आप। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।